मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी युवा प्रतिनिधि सम्मेलन के एक दिन पहले सपा जिला अध्यक्ष आशीष यादव के पोस्टर पर काली पोत दी गई। साथ ही लोहिया वाहनी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप तिवारी का भी मुंह काला कर दिया। अज्ञात लोगों ने लोहिया ट्रस्ट कार्यालय के सामने लगे पोस्टर पर काली पोत दी है। आज हो रहे सम्मेलन के मुख्य अतिथि सांसद धर्मेंद्र यादव है। जिला अध्यक्ष ने असामाजिक तत्वों पर काली पोतने का आरोप लगाया है। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए घंटाघर मैदान में युवा प्रतिनिधि सम्मेलन हो रहा है। शहर में जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। देखिए, समाजवादी युवा प्रतिनिधि सम्मेलन जो कल 23 दिसंबर को हो रहा है, जिसके मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी हैं, उनका कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम बहुत शानदार होने जा रहा है। निश्चित रूप से कुछ लोग परेशान भी रहते हैं, कोई भी कार्यक्रम होता है, और कुछ ऐसे तत्व हैं असामाजिक तत्व जो इस टाइप का काम किया, उससे हमारे कार्यक्रम का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और कार्यक्रम पूरी मजबूती के साथ, पूरे उत्साह के साथ सभी पार्टी के सभी नेता नौजवान लगे हुए हैं, और हमको उम्मीद है ये ऐसा कार्यक्रम होगा कि आने वाले 2019 के जो चुनाव आ रहा है, उस चुनाव में सीधा इसका समाजवादी पार्टी को लाभ मिलेगा और लोकसभा की सीट हम जीतेंगे। ऐसे इस ये जो इन लोगों ने किया है, इससे कोई बहुत असर नहीं है। क्या कुछ करने जा रहे हैं लोग के खिलाफ? नहीं, कोई क्या करने जाएंगे, हम अपना कार्यक्रम करेंगे। हमारा कार्यक्रम बढ़िया हो, शानदार हो, यही हमारा उम्मीद है, यही हमारा विश्वास। ये आपको लगता है विपक्षी होंगे या आपकी पार्टी के दो किसी अब के? इसमें अब जब हमने देखा ही नहीं और उसको जाना नहीं, तो हम क्यों किसी के बारे में कहें। लेकिन हर जगह कुछ न कुछ लोग रहते हैं जो आपके कार्यक्रम को कहीं विफल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिस तरीके का नौजवानों का उत्साह दिखाई पड़ रहा है, इस कार्यक्रम की तैयारी आप देख रहे हैं कि लगातार अच्छे ढंग से हो रहा है, इससे कार्यक्रम बहुत शानदार।